देखा देखा सा लग रहा है। हाँ, हमारे को भी कुछ जाने पहचाने लग रहे। कठी देखियो, कठी देखियो। टिकने बन गई ना फोटो, चलो चिपकवा देते। हाँ। अरे शिबू भाई साहब, ये फोटो एकदम रेडी तैयार है। हाँ, पूरे मोहल्ले में चिपकवा दे के जल्दी से पकड़वा जाएगा। हाँ हाँ, ओके ओके, तू आओ मेरे साथ। अरे ओके बोल दिया। अजी बोल गॉड की कसम, मानना पड़ेगा इस बुढ़िया की नजरों को। हाँ, अजी रात में काले बंदर को देख भी लिया, पहचान भी लिया, इसका स्केच भी बनवा दिया और इतनी जल्दी पूरे मोहल्ले में पोस्टर भी लगवा दिए। हो अरे देखो देखो, एक और काला बंदर बिना बालों वाला। अजी कहाँ है काला बंदर? आओ आओ सब लोग, देखो अजी कितनी लंबी हो मेरा काले बंदर की। आ गया काला बंदर, अरे काला बंदर, अरे ऊंट की कसम यही है काला बंदर। अरे देख के रहे, चलो पकड़ो उसे, पीछा करो। काला बंदर कौन है? किसके पीछे भाग रहे सब लोग? किसको मार रहे? देखो देखो काला बंदर है ये। माय गॉड की कसम मैं बिट्टू जी हूँ। हे भोलेनाथ, ये तो हमारा बिट्टू है। ना 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 ना, सब बहाने बनाने की कोई जरूरत ना है। हाँ बिट्टू भाई साहब, अरे भाइयों और बहनों, ये जब पकड़े गए हैं तो बेचारे इनोसेंट से हो गए। हाँ, अरे मारा दिल तो कहता है ऊंट की कसम यही काला बंदर है। अरे मारो मारो, मारने लगो। ऐसी बातें कर रही हो तुम? जिसको तुमने बचपन से बड़ा होते हुए देखा, उस पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? हम इस पर विश्वास करें या उस तस्वीर पर? वो तस्वीर इससे कितनी मिलती जुलती है। तस्वीर, तस्वीर का क्या है? तस्वीर तो गलत हो सकती है ना। आप लोग ना जी अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, मेरे बिट्टू जी क्या ऐसी ओछी हरकत कर सकते हैं? नहीं जी, कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ, और तुम्हारी सासू माना खुद गिर गई थी अपने आप, वो भी डर के मारे। उसने कुछ नहीं किया। और सुना नहीं है, वो शैतान नहीं है, मसीहा है। मसीहा लोगों की मदद करता है। आज तक उसने ना किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, समझी? पापा आप बहुत कम पटाखे लाए हो। देखो बेटा, वैसे भी बहुत ज्यादा पटाखे चलाना ठीक बात नहीं है। क्लास में पढ़ाते हैं ना तुम्हें पोल्यूशन के बारे में, पटाखे चलाते हैं तो खूब सारी आवाज होती है। हाँ, उससे नॉइज पोल्यूशन होता है और फिर उससे खूब सारा धुआं भी होता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। तो हम लोग खाएंगे पिएंगे और मौज करेंगे। हाँ हाँ, मौज करेंगे। भैया ये कितने की है? 500 रुपए की है। 500 रुपए की? जी। अरे भैया पिछले साल तो आपने 100 रुपए में दी थी। अरे पिछले साल की बात छोड़ो भाभी, महंगाई की मार इस साल इन्हीं चीजों पे पड़ी है। फिर भी भैया 5 गुना अधिक, 500 रुपए। हाँ हाँ, इनकम टैक्स ऑफिसर के घर ही जा रहा हूँ। और वैसे भी ना लक्ष्मी जी के दर्शन होते हैं ना, सारे रुके काम यूं फटाफट हो जाते हैं। काला बंदर, इस काले बंदर ने सर में दर्द कर दिया है। कार्तिक तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय लाती हूँ। सुरक्षित नहीं है। अगर लवली और बच्चे न होते तो पता नहीं क्या होता। क्या हुआ? भाग गया? भागेगा तो तब, जब मिलेगा। हमने हर जगह देख लिया, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं है। घर में इतना बड़ा बवाल मच गया है, सब घर में, लेकिन निम्मी भाभी कहीं नहीं दिखाई दे।